हाल ही में नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन संपन्न हुआ। किसानों की कर्ज मुक्ति से लेकर OCW, SNDL और शहर की सड़कों में बने गड्ढों को शहर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण राउत ने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। आइए डालते एक नजर। हाल ही में नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन संपन्न हुआ है। अधिवेशन को लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में शहर के नागरिक क्या चाहते हैं, क्या समस्या इस अधिवेशन को लेकर, क्या उनकी अपनी राय है, आइए हम जानना चाहेंगे। इस समय में सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण राउत हमारे साथ में। राउत साहब, जब क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आज अधिवेशन का संपन्न हुआ है? देखिए, अधिवेशन तो यहाँ के सिपाही बेरार करार के अनुसार यहाँ के नागरिकों का मूलभूत अधिकार है, वो पूर्तता करने का प्रयास ये सरकार ने किया, उद्धव ठाकरे सरकार ने किया। तो अधिवेशन में मात्र सिर्फ काश्तकारों का एक जो महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा था, किसानों का जो मुद्दा था, वो कर्ज माफी हो गई। वो अंशता क्यों ना हो, लेकिन हम वो सरकार का अभिनंदन करना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले सरकार ने नहीं किया, वो ये सरकार ने किया। तो तत्वतः क्यों ना हो, लेकिन सरकार ने काश्तकारों की, किसानों की कर्ज माफी की 2 लाख तक बिना आवट, तो उसका हम अभिनंदन करते हैं काश्तकारों के प्रतिनिधि, काश्तकारों के लड़के, युवा कार्यकर्ता करके। लेकिन जहां तक मूलभूत समस्याओं का विषय है, पानी और गड्ढे, ये विषय से ये नागपुर की जनता नहीं, महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है। हाल ही हमने पेपर में एक न्यूज पढ़ा है, 6,000 करोड़ का मुंबई के गड्ढे बुझाने के लिए खर्चा हो गया, वो भी एक घोटाला है। नागपुर में एक सामाजिक संगठन था, उन्होंने इंक्वायरी की, इंक्वायरी में गड्ढों में भी काफी अनियमितता आई, भ्रष्टाचार की पोल खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन वो जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो अभी जज बनने के कारण वो भी इंक्वायरी रुक गई है। 10 लाख मीटर उस पीरियड में 10 लाख मीटर इलेक्ट्रिक के मीटर डुप्लीकेट लगाए गए, जो डुप्लीकेट मीटरों के वजह से आज पब्लिक को जो बिल आता है, जहां 200 रुपए का बिल आता है, वहां 2000 का बिल आ रहा है। पब्लिक नागरिक त्रस्त है। एक सर्वसामान्य नागरिक कैसे ये बिल भरते भरते ही मरना चाहिए, उसने बिल भरेगा और मरेगा और क्या करेगा? पानी की ऐसी समस्या है कि जो पानी का बिल पहले 100 से 500 रुपए आता है, वो पानी का बिल अभी 1,000 रुपए से 2,000 तक बिल आ रहा है। ये अवैध वसूली है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि पानी ज्यादा से ज्यादा रेट में बेचो। और ये ताज नगरी है, ये नाग नगरी है, यहां से भावी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक पर्याय पूरे देश को और विश्व को जाता है, और वहां ये अवैध वसूली, तो ये नागपुर के नागरिकों के साथ धोखाधड़ी है, ये हम बोलना चाहते हैं। तो अधिवेशन में और नए सरकार को हम आह्वान करना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे जी माननीय मुख्यमंत्री, नाना पटोले जी हमारे विदर्भ के सभापति है, उनसे हम आह्वान करना चाहते हैं कि बिजली कंपनी ने 7 अरब रुपए का घोटाला किया, 2 रुपए का जहां बिल था वहां 20 रुपए की, 200 रुपए की वसूली की। ये हमारे फैयाजुल हसन है, इन्होंने अपने मीटर का प्रमाण पत्र मांगा कि हमारा मीटर ओके, टेस्टिंग रिपोर्ट दीजिए। इनको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया और इनके ऊपर झूठे गुने दाखिल करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार के सैकड़ों केस नागपुर में किए गए। 10 लाख मीटर जो डुप्लीकेट लगाए हैं, विदाउट सर्टिफिकेट लगाए हैं, ब्लैकलिस्टेड कंपनी के लगाए हैं, तो वो 10 लाख मीटर लगाने वाले जो भी अधिकारी है, लोक प्रतिनिधि है, उनकी CID CBI इंक्वायरी होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक कंपनी, इलेक्ट्रिक ठेकेदार कंपनी के बारे में सत्य शोधन समिति का फॉर्मेशन हुआ था, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी। वो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी में हमारे नागपुर शहर सुधार समिति के तरफ से 121 कंप्लेंट हमने दाखिल की थी, पब्लिक कंप्लेंट्स। वो सारी कंप्लेंट्स यथोचित निकली और सारे कंप्लेंट के अनुसार एक क्रिमिनल यानी क्राइम किया है, उन लोगों के साथ धोखाधड़ी है। वो शासन ने 52 मंत्री जब थे, ऊर्जा मंत्री, तब यह शासन को रिपोर्ट सादर किया गया है फैक्ट फाइंडिंग कमिटी का, सत्य शोधन समिति का, और कंपनी के सारे लफड़े उसमें उजागर हुए, लेकिन कंपनी के ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं। यानी एक आदमी अगर समझो 100 रुपए बिल नहीं भरता है तो उसकी लाइन काट दी जाती है, लेकिन अगर कंपनी ठेकेदार ने, अगर समझो जिसको राजकीय वरद हस्त प्राप्त है, वो कंपनी ने हजारों करोड़ों अरबों रुपए की धोखाधड़ी करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, यहाँ का कानून क्या मर गया है क्या? यहाँ संवैधानिक लोकतंत्र नहीं बचा है क्या? तो मैं माननीय उद्धव जी ठाकरे, माननीय सभापति नाना साहब पटोले, इनसे मैं आह्वान करता हूं कि ऊर्जा विभाग की जो भ्रष्टाचार है, ऊर्जा विभाग का जो करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार है, उसे उजागर करने के लिए इंक्वायरी होना चाहिए, CBI इंक्वायरी होना चाहिए, और सत्य शोधन समिति का रिपोर्ट जो है वो लागू करना चाहिए, उसके अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जय हिंद।
तो आप थे प्रवीण राउत जिन्होंने बखूबी विपक्ष के साथ बात करते हुए ये कहा कि पिछली सरकार अन्य फडणवीस सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे चंद्रशेखर बावनकुल ने के ऊर्जा विभाग ने लाखों ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया ऐसा आरोप इन्होंने लगाया। इनके पास उस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स इनके पास है जिसके चलते उस बलबूते पे इन्होंने ये बात कही है। या फिर शहर गड्ढो जो गड्ढो को लेकर जो मुद्दा हो ये तमाम पहलुओं पे इन्होंने इनसे हमने इनबीसीएन ने बात की इनसे चर्चा की और क्या किस तरह से आज शहर की जो हालात हुई है इसके ऊपर में इन्होंने गौर फरमाया है प्रकाश डाला हुआ है। अब देखना ये होगा कि इनबीसीएन के जब भी कभी ऐसी न्यूज होती है तो तमाम जो आला अधिकारी हो या फिर मंत्री हो ये इस कार्यक्रम को देखते रहते हैं। ऐसे में यदि कोई मंत्री या इस विभाग के आला अधिकारी अगर ये कार्यक्रम देख रहे हो तो उन्हें यही बताएंगे कि किस प्रकार से जो कामकाज हो रहा है जिसके चलते शहर के नागरिक तील तील मर रहे हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सरकार का कामकाज ढाक के तीन पाँच जैसा ही दिखाई दे रहा है। इस बारे में सरकार अपने और गौर फरमाए ध्यान दे और शहर के नागरिकों को किसी बात को लेकर कोई भी दिक्कत तो हो क्योंकि लोकतंत्र में जीने वाले जो नागरिक है वो पूर्ण रूप से आज़ादी चाहते हैं और आज़ादी जो है वो पूरे दिलोजान से वो करना चाहते हैं संभलना चाहते हैं। ऐसे में राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो शहर के नागरिकों और ध्यान दे मनपा प्रशासन हो एनआईटी प्रशासन वो भी ध्यान दे और नागरिकों को किसी बारे में कोई भी दिक्कत ना हो उनकी हर समस्या छुड़ाए यही शहर की जनता चाहती है। नागपुर के मानेवाड़ा चौक से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे इनबीसीएन न्यूज नागपुर।